आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इंफोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो सीरीज में बातचीत करेंगे पर्सनालिटी 4F। तो प्यारे साथियों, हम लोग प्रवेश कर चुके हैं 4F पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए प्यारे साथियों, हम चलते हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर प्रकाशन पे। क्या है प्रश्न नंबर 1, इसको देखेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग कापी और कलम लेके बैठे नहीं हैं तो कापी कलम लेके बैठ जाइए अगर फ़ायदा लेना हो तो। आइए हम चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। क्या है सवाल नंबर 1? दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको संख्याएं ज्ञात करना। तो प्यारे साथियों, इसमें शर्त क्या है? दो क्रमागत हो, वो भी कैसी संख्या? सम संख्या। तो आपको सबसे पहले जानना होगा सम संख्या किसे कहते हैं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं सम संख्या। जैसे एक छोटी सी भूमिका ले लेते हैं, जैसे प्यारे साथियों सम संख्या की हम बात करते हैं तो क्या होता है? पहली सम संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, इसी प्रकार से क्या होता है? चलता चला जाता है। तो सम संख्या की बात कहा, अब बताइए इन दोनों में कितने का अंतर? 2 का अंतर। इसमें इसमें कितने का अंतर? 2 का अंतर। इसमें इसमें यानी सभी सम संख्याओं में किसी भी दो क्रमागत सम संख्या को लेंगे तो उनके बीच अंतर 2 पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा प्यारे साथियों? 2 का अंतर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो दो क्रमागत सम संख्या की बात कर, अक्रमागत मतलब क्या होता है? देखिए 2, 4 क्रम से हैं। अब 4 और 8 को लेंगे तो क्रम से नहीं होगा। देखिए बीच में एक संख्या छूट गया, अभी सम संख्या। तो क्रम से बात कहा है तो 2, 4 क्रमागत हैं, 4, 6 क्रमागत है, 6, 8 क्रमागत है, 52, 54 ई क्रमागत संख्याएं होती हैं, वो भी सम संख्या। तो अगर क्रमागत सम संख्या की बात करता है प्यारे साथियों, तो सम संख्या क्रमागत सम संख्या अगर मानना होगा, क्रमागत सम संख्या तो मानते हैं पहला क्रमागत संख्या x होता है, दूसरा क्या होगा? x+2। क्यों? क्योंकि उनके बीच का अंतर कितने का होता है? 2 का अंतर होता है। अब देखिए उसके बाद x प्लस कितना का हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला हो जाएगा x+6 का अंतर। क्रमागत सम संख्या मानने के लिए इस प्रकार से मानते हैं, एक होता है क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। तो क्रमागत विषम संख्या का यही है क्या? x+2, x+4 और क्या है? x+6, इसी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम विषम संख्या को देखेंगे। देखिए विषम संख्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, इसी प्रकार से होता है। वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से भाग देने पे पूर्णतः न विभाज्य हों, उन्हें ही कहते हैं विषम संख्या। सपोर्ट डर कर लीजिए, सम संख्या पे दिया है हमारा सवाल, अब विषम संख्या पे एग्जामिनर सवाल बना लिया तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए इनके बीच भी अंतर कितने का होता है? 2-2 का अंतर, 2-2 का अंतर है। तो इसलिए पहला विषम संख्या x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4, है ना? इसी प्रकार से हमारा क्या होता है? चलता चला जाता है। अब एक आता है प्यारे साथियों धन पूर्णांक, यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या को मानने के लिए प्यारे साथियों मानते हैं पहला x होता है, दूसरा x+1, उसके बाद x+2, उसके बाद x+3, डैड इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। 2 कहेगा तो 2 को लेंगे, 3 कहेगा तो 3 को लेते हैं, और 4 कहता तो 4 को लेते हैं। हम इसी कंसेप्ट पे 3 से 4 सवाल बना सकते हैं। अब आइए प्यारे साथियों, हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तब तक लेते हैं प्रश्न नंबर 1 को। तो प्रथम प्रश्न है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं प्यारे साथियों, जब जो कंसेप्ट बताएं अगर आप लोग समझ ले रहे होंगे तो इसको बना सकते हैं। माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः क्या मानेंगे? पहली क्रमागत संख्या x मानते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा? x+2 है, पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगा x+2। अब हम चलेंगे प्रश्न अनुसार क्या होगा प्यारे साथियों? अब जानते हैं
क्या कहा, गुणनफल 528 है। किसका? दोनों क्रमागत सम संख्याओं का। तो यानी कि यक्ष में गुणा करेंगे यक्ष प्लस 2 का तो कितने के बराबर, 528 के बराबर। यक्ष में यक्ष प्लस 2 का जब हम गुणा करेंगे तो वह कितने के बराबर, 528 के बराबर। तो उसको 528 के हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। चलिए अब क्या होगा, यक्ष में यक्ष का गुणा तो क्या हो गया, यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष में 2 का गुणा 2 यक्ष बराबर 528। अब 528 को उधर लाएंगे तो हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस 2 यक्ष माइनस 528 बराबर 0। अब यह क्या बना, एक द्विघात समीकरण बना। अब इसको क्या करेंगे, मध्य पद तोड़ के यानी गुणनखंड विशेष का गुणनखंड करके यक्ष का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 घात यक्ष के 2 मान निकलेंगे। तो आइए हम निकालते हैं, गुणा करने पे 528 और घटाने पे कितना होना चाहिए प्यारे साथियों, 2 होना चाहिए। गुणा करने पे 528 और घटाने पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 528 को तोड़ेंगे कितना, तो हो जाएगा यह यक्ष स्क्वायर प्लस 24 माइनस 22 इंटू यक्ष माइनस 528 बराबर कितना होगा, 0। 528 यानी कि 2 को 2 पदों में तोड़ेंगे, 2 अंकों में तोड़ेंगे कि उन्हीं अंकों का गुणनफल 528 हो जाए और उन्हीं अंकों का घटाना 2 के बराबर। तो 24 में 22 का गुणा कीजिएगा ना तो कितना जाएगा, 528। अब देखिए काम क्या है, यक्ष स्क्वायर प्लस 24 यक्ष माइनस 22 यक्ष माइनस 528 इज इक्वल टू कितना, 0। यक्ष को कॉमन ले लीजिए तो यक्ष प्लस कितना, 24 माइनस 22 को कॉमन ले लेंगे तो यक्ष प्लस कितना होगा, 24 होगा बराबर कितना हो जाएगा, 0। पुनः प्यारे साथियों यहाँ से सॉल्व करते हैं, लिखेंगे यक्ष प्लस 24 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, यक्ष माइनस 22 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यदि प्यारे साथियों यदि एक बार क्या लेंगे, यक्ष प्लस 24 बराबर 0, क्योंकि यदि यक्ष प्लस 24 बराबर 0 तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 24। तो बताइए क्या विषम सम संख्या ऋणात्मक में हो सकता है, परिभाषा तो दिए हैं हम, क्या प्राकृतिक संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूर्ण से विभाजित हो जाती है, तो माइनस 24 प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो गया, क्या हो गया, अग्राह्य हो गया। अब देखेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे यदि यक्ष माइनस 22 बराबर 0 तो यक्ष बराबर कितना है, 22, क्योंकि प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे अतः दोनों क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः कौन कौन है, क्रमशः पहला यक्ष माने हैं तो यक्ष का मान चुके क्या आया, 22, और दूसरा क्या हो जाएगा, यक्ष प्लस टू बोले तो 22 प्लस 2 तो 22 2 कितना हो जाएगा, 24 है। यही हमारा क्या है, राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन प्यारे साथियों, या प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन है, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आप भी यूज चुटकियों में बना सकते हैं अगर कंसेप्ट को सीख जाते हैं तब। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 528 है, गुणा करने पर 528 और 2 को 2 अंकों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 528 हो जाए और घटाने पर 2 के बराबर हो जाए। तो हमने तोड़ा 24 माइनस 22। तो प्यारे साथियों उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। कहा 2 संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए अब इसको हम लोग साथ करते हैं। तो प्यारे साथियों माना वे दो संख्याएं क्या हैं, यक्ष तथा वाई हैं। माना वे दो संख्याएं क्या हैं, यक्ष तथा वाई हैं।
तो प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार तो प्यारे साथियों आप जानते हैं प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का योग कितना है, 20 है। योग की बात किया है तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20। समीकरण एक हो गया। दूसरा दिया गुणनफल, यक्स इंटू वाई बराबर 10 दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण दो। लेकिन कहा उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, हमको उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है ना, किसके? यक्ष तथा वाई के। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है ध्यान दीजिए, यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, उल्टा। समझ रहे हैं ना? अगर हम कहते हैं प्रश्न में कि 4/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 4/3 का व्युत्क्रम प्यारे साथियों पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3/4 होगा। अगर पुनः हमने क्वेश्चन किया यक्ष का व्युत्क्रम क्या होगा, यक्ष का क्या व्युत्क्रम, तो बताइए यक्ष के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1, तो क्या हो जाएगा, 1/यक्ष। तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, यानी कि 1/यक्ष प्लस 1/वाई बराबर पूछा क्या होगा, तो वाई का वाई यक्ष एक में गुणा तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक में यक्ष का गुणा, तो यक्ष बटे यक्ष इंटू वाई, यानी कि इसको सीधा क्रम में यक्ष प्लस वाई बटे यक्ष इंटू वाई। अब देखिए यक्ष प्लस वाई का मान समीकरण एक से मिला कितना है, 20 है। यक्ष इंटू वाई का मान समीकरण दो से मिला कितना है, 10 है। तो इसको काट देंगे 10 × 20, यानी कि हो जाएगा 2। राइट आंसर। अतः उनके व्युत्क्रमों का योग, अतः उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कितना है, 2 है। यह सबसे आसान विधि है, सबसे खतरनाक विधि है। तो प्यारे साथियों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यह रहा प्रश्न नंबर 2। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है प्यारे साथियों, गौर से देखिए, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 × 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। क्या संख्या ज्ञात करने के लिए कहा ना, तो मान लीजिए, माना वह संख्या यक्ष है। माना वह संख्या क्या है, यक्ष है। प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार क्या कहा है प्रश्न में कहा प्यारे साथियों संख्या का वर्ग, यानी संख्या किसको माने हैं, यक्ष को ना, तो यानी कि यक्ष का वर्ग। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 × 12 अधिक है, यानी किसके 4 × से, यक्ष के 4 × तो 4 यक्ष होगा, और प्लस 12 अधिक है तो 12 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। उसके 4 × किसके, उसके का मतलब जो माने हैं संख्या उसके, तो 4 × क्या होगा, गुणा का मतलब गुणा, 4 × x का गुणा 4 x, अधिक का मतलब जोड़, 12 जोड़ दिया। अब देखिए यक्ष स्क्वायर, 4 x को इधर लाइए, -4 x - 12 बराबर कितना होगा, 0। गुणनखंड कर लीजिए, अब गुणा करने पे 12 और घटाने पे 4, गुणा करने पे 12 और घटाने पे कितना, 4। तो संख्या क्या किस प्रकार से तोड़ेंगे, यानी कि यक्ष स्क्वायर माइनस 6 - 2 इंटू यक्ष -12 इज इक्वल टू 0। 6 × 12, 6 में से 2 जाएगा 4। अब चलिए यक्ष स्क्वायर माइनस लगा है ना, इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे यानी कि तोड़ेंगे तो अंदर का यह जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, विपरीत हो जाएगा, 6 x माइनस है तो क्या, +2 x -12 इज इक्वल टू 0। यक्ष ले लीजिए कामन, तो यक्ष -6 +2 ले लीजिए कामन, तो यक्ष -6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे यक्ष -6 एक कोष्टक में, यक्ष +2 एक कोष्टक में बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक बार इतने का मान 0 के बराबर रख लीजिए, एक बार इतने का मान 0 के बराबर रख लीजिए,
तो क्या होगा, लिखेंगे यदि यदि यक्स माइनस छ इज इक्वल टू जीरो, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, छ हो गया। पुनः लिखेंगे यदि यक्स माइनस यक्स प्लस है सॉरी यक्स प्लस दो बराबर जीरो, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस दो। तो बताइए माइनस वाली संख्या नहीं लेते हैं, ऋणात्मक वाली संख्या नहीं लेंगे, यानी यह क्या हो जाएगा, अग्राह्य, अग्राह्य हो गया। क्या लेंगे, छः लेंगे। अतः अतः वह संख्या क्या है, छ है। अतः वह संख्या क्या है, संख्या को ज्ञात करना था, अतः वह संख्या क्या है प्यारे साथियों, छः है। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर तीन का सॉल्यूशन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर प्यारे साथियों किसी भी सवाल में दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आइए अब हम लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर चार। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर चार है, यक्ष प्लस एक बटे यक्ष बराबर दस बटे तीन को हल कीजिए। अब आइए इसको हल करते हैं, यक्ष का गुणा यक्ष में कराएंगे, तो यक्ष स्क्वायर प्लस एक बटे यक्ष बराबर दस बटे कितना हो जाएगा, तीन। क्या देखने को मिला, बराबर के उधर बटा और बराबर के इधर बटा, यानी कि एल एच एस में भी बटा है और आर एच एस में भी बटा है। तो त्रिय गुणा कराएंगे, तीन का गुणा यक्ष स्क्वायर प्लस एक के साथ होगा, हो जाएगा तीन यक्ष स्क्वायर प्लस तीन बराबर दस यक्ष, कितना जाएगा, यह स्क्वायर है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दस यक्ष को इधर पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, तीन यक्ष स्क्वायर माइनस दस यक्ष प्लस तीन इज इक्वल टू कितना, जीरो। अब प्यार साथियों इसका गुणनखंड कर लेते हैं, गुणा करने पे तीन तीन की नौ और जोड़ने पे कितना, दस। तो क्या होगा प्यार साथियों ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा तीन यक्ष स्क्वायर माइनस नौ प्लस एक इंटू यक्स प्लस तीन इज इक्वल टू जीरो, नौ एक करने नौ और नौ एक दस, तो हो जाएगा तीन यक्स स्क्वायर माइनस है ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, बदल जाएगा, नौ यक्स माइनस यक्स प्लस तीन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि तीन यक्स कामन ले लेते हैं तो हो जाएगा यक्स माइनस तीन, माइनस एक कामन लेंगे तो यक्स माइनस तीन बराबर जीरो, यानी लिखेंगे क्या, यक्स माइनस तीन एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में तीन यक्स माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब लिखेंगे यहाँ पे एक बार यक्स माइनस तीन के बराबर जीरो, एक बार तीन यक्स माइनस एक के बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। तो लिखेंगे यदि यक्स माइनस तीन बराबर क्या, जीरो, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। यह पहला आंसर हो गया। अब दूसरे आंसर की बात करेंगे, लिखेंगे यदि क्या तीन यक्स माइनस एक बराबर जीरो, तो तीन यक्स बराबर कितना, एक, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक बटे तीन। यह हो गया क्या दूसरा आंसर। अतः अतः यक्ष का अभीष्ट मान, अभीष्ट मान क्या होगा, तीन कामा एक बटे तीन है। यह रहा प्रश्न नंबर चार का सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों अब लेते हैं हम इसी क्रम में प्रश्न नंबर पाँच को, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पाँच का सॉल्यूशन। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर पाँच है, करणी में यक्ष प्लस दो यक्ष बराबर एक को हल कीजिए। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन क्या देख लीजिए, यानी होगा करणी में यक्ष बराबर एक माइनस दो यक्ष, इसको हमने क्या किया, इधर पक्षांतर किया, करणी में यक्ष है ना, तो यक्ष जो करणी में है उसको आप करणी से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए, तो इसके लिए आपको दो यक्ष को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, यानी कि करणी में यक्ष का स्क्वायर बराबर वन माइनस टू यक्ष का स्क्वायर, करणी में यक्ष का स्क्वायर यक्ष हुआ बराबर, यह देखिए
a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम तोड़े हैं। a का जगह ले रहा है 1 और b का जगह लिया है 2x, वही पे हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, माइनस 2 गुणे 1 गुणे 2x। तोड़िए इसको, 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2x का स्क्वायर कितना देगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x। अब देखिए x है ना इधर, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या होगा, 0 = 4x स्क्वायर माइनस x माइनस x प्लस 1। थोड़ा क्रम से लिख दें, 0 = क्या जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब प्यारे साथी इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, थोड़ा इसको क्रम से लिख, इसको यहाँ पे लिख देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। गुणा करने पे 4 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 5। तो गुणा करने पे 4 और जोड़ने पे 5 होगा, कौन सा अंक होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इजिक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। गुणनखंड का नियम आप जानते हैं, 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 करने 4 होगा, 5 को 2 अंकों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 4 हो जाए और जोड़ने पे 5 हो जाए, तो हमारा वह संख्या है 4 + 1, 4 करने 4 और 4 × 5 हो गया। अब करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस x प्लस 1 इजिक्वल टू 0, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे माइनस है तो इस ब्रेकेट को तोड़ते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, विपरीत हो जाता है। अब देखिए 4x से 4x कॉमन है तो 4x कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना 1, माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 1 बराबर क्या 0, तो हो जाएगा x माइनस 1 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 4x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे क्या, यदि इतने के बराबर 1 बार 0, एक बार इतने के बराबर 0, तो यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। यह हमारा पहला आंसर आ गया, x का पहला मान आ गया। अब पुनः लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर कितना 1, x बराबर कितना 1/4, तो प्यारे साथियों यह मान निकल गया, अतः x के 2 मान क्रमशः 1 हैं और 1/4 हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6।